हेलो दोस्तों, मैं फिरोज बादशाह आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल फिरोज बादशाह आर्ट पे स्वागत है। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप अपने मोबाइल को बहुत ही लाजवाब और शानदार लुक दे सकते हो। आपका मोबाइल इस ऐप को यूज करने के बाद बहुत ही शानदार लगने वाला है। जो आपके मोबाइल को देखेगा वो जरूर आपसे पूछेगा कि आपने अपना मोबाइल को इतना ब्यूटीफुल कैसे बनाया। भाई, मुझे भी जरूर बताओ। इससे पहले आपको मैं एक सैंपल दिखा दूँ। आपने देखा, सिंपल, बहुत ही शानदार है। इसी तरह आप भी सेट कर सकते हो। चलिए, कैसे सेट करते हैं और कहां से उस ऐप को डाउनलोड करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे EDGE Edge Lighting। जैसे यहाँ आप जो है लिखेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगी और यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो ऐप देखने को मिल रही है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर लिखा हुआ है एज लाइटिंग बॉर्डर लाइट लाइव वॉलपेपर। आप इसे डाउनलोड करेंगे। इसमें ऐड भी आते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं ये ओपन करूँगा, आप इसे डाउनलोड करेंगे। चलिए, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करता हूँ। ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद इसे कैंसिल करूँगा। यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है इनेबल वॉलपेपर पे। इनेबल करेंगे, सेट वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और होम स्क्रीन कर देंगे। इस तरह से करने के बाद ओके करेंगे और यह इनेबल हो चुका है। इनेबल हो चुका है। आप अब यहाँ पर, आपको बता दूँ कि यहाँ पर लिख रहा है चूज कलर। आप इसे चूज करेंगे किस तरह कलर चाहिए। यहाँ पे दो कलर, तीन कलर और चार कलर दिया हुआ है। आप यहाँ पे मिक्स खुद से कर सकते हैं क्लिक करके। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो पर क्लिक है तो यहाँ पर दो कलर आपके सामने दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देख लेंगे, दो कलर इनमें दिख रहा होगा, एक साइड इधर, एक साइड यहाँ पे। तीन कलर की बात करें तो वहाँ पर देखेंगे आप, तीन कलर है यहाँ, इसमें तीन कलर है और चार कलर इसमें है, आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए, अब सेटिंग करके दिखा दो। इस पर क्लिक करेंगे, तीन कलर आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन कलर पर क्लिक करने के बाद तीन कलर दिख रहा है। और वैसे ही चार कलर पर क्लिक करेंगे तो चार कलर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। देखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड है चार कलर। इस तरह से आप सेटिंग करेंगे। चलिए, मैं चार कलर पे, मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर सेटिंग करने के बाद अब चलिए आपको बता दें कि सेट बैकग्राउंड कैसे करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट बैकग्राउंड लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ इनेबल करेंगे इसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी इमेज को चूज करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इनेबल हो जाएगा, या आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पसंद करना चाहते हैं दूसरी चीज़, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और जो चीज़ आपको लगाना है, जो भी इमेज लगाने हैं, आप यहाँ पर देख लेंगे और आप खुद से सेटअप कर सकते हो, अन्यथा आप दूसरा भी ले सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल की इमेज को सेट करें, तो आप यहाँ पे क्लिक, चूज फ्रॉम गैलरी यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन की इमेज को भी यहाँ लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर लगा सकते, बॉर्डर के सहित यहाँ पर आप जो है इमेजेस लगा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। साथ ही नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखेगा बॉर्डर एंड नॉइज सेटिंग। आप यहां पे देख लेंगे और यहां पे एनिमेशन स्पीड, साथ यहां पे बॉर्डर इमेजेस, बहुत सारे सेटिंग्स से आप यहां पे देख लेंगे और सेटिंग करेंगे। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये मैं कम बेसी कर रहा हूं। यह एनिमेशन स्पीड है, कितना स्पीड रखना चाहते हैं यहाँ पर देख लेंगे। साथ यहाँ पर ये बॉर्डर साइज है, कितना बॉर्डर साइज रखना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर साइज ऑन लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर कितना रहना चाहिए आप यहाँ पर देखेंगे। साथ ही यहाँ पर बॉटम रेडियस यहाँ पर देख लेंगे आप। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, आप यहाँ पर सेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंबल्स हैं, बॉर्डर टाइप किस प्रकार के आपको चाहिए बॉर्डर, आप यहाँ पर देख लेंगे। बॉर्डर टाइप यहाँ पे है आपके सामने, बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे बॉर्डर्स। इनमें से कोई भी चूज कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं चांद चूज किया हूँ, आप यहाँ पर ओम भी चूज कर सकते हो। इसका कलर बदलनी है तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भी आप कलर को बदल सकते हैं। इस तरह से आप बदल भी सकते हैं, जो कलर लगानी है आप यहाँ पर पसंद कर सकते हो। अगर आपको दूसरी चाहिए यहाँ पे सैम्पल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको रोज़ चाहिए तो रोज़ पे क्लिक करेंगे, रोज़ भी यहाँ पे सेटअप हो जाएगी। अगर आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर भी और इस पर भी क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे ओम रहने देता हूँ। इसके बाद आप जो है बॉर्डर को देख लेंगे, आप पर कितना अच्छा लगता है, कौन सी बॉर्डर और कितनी साइज की, ये सब आपने सेटिंग तो देख ली। अगर आपको चाहिए कि लाइव वॉलपेपर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड कॉर्नर, यहाँ पे देख लेंगे, इस पर ऊपर में आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत तरह के यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो।
देख लेंगे आपके सामने यहाँ पे कई तरह के हैं मैजिकल बॉर्डर्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरह के बहुत सारे लाइव वॉलपेपर हैं, आप जो भी पसंद करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से आप देख लेंगे, उसके बाद आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोडिंग पे क्लिक किया हूँ, डाउनलोडिंग हो जाएगा, उसके बाद इसको भी मैं दिखाता हूँ। डाउनलोडिंग होते ही यह आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, देखने के बाद यहाँ पर देखिए किस तरह के, यहाँ पर देख लेंगे किस तरह के इंटरफेस देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर है, अगर आपको यहाँ सेट करनी है तो आप यहाँ पे राइट साइड सेट वॉलपेपर लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर साइड में देख लेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग कर लेंगे। तो चलिए सेट पर क्लिक किया हो, यहाँ पे होम स्क्रीन आप रखेंगे या आप जो है दोनों रखेंगे, लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन आप चूज करेंगे, तो मैं होम स्क्रीन रखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ओके करूँगा और यह सेटिंग हो गई। इस तरह से आप सेटिंग कर लेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे एक्टिव यह दिख रहा होगा लाइव वॉलपेपर, अगर आपको यह पसंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड होगा आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगी, देख लेंगे आप, देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। सेट वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे होम स्क्रीन पर एंड लॉक स्क्रीन पर भी सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं होम स्क्रीन पर रख के ओके करता हूँ और बैक होकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत ही शानदार लुक देखने को मिल रही है, आप इसी तरह सेटिंग कर लेंगे। और भी है कई तरह के ऐप, मैं चलिए वो भी बारे में बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप देख लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे, देखेंगे डाउनलोड होते ही आपके सामने किस तरह से फायर दिख रहा होगा, इसी तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए सबसे पहले इस तरह के लाइव वॉलपेपर सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे राइट साइड ऊपर में क्लिक करेंगे, देख लेंगे आप ऊपर में सेट वॉलपेपर लिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन या आप लॉक स्क्रीन पर भी सेटिंग कर सकते हो, ओके करेंगे और इसे, चलिए मैं बैक होम स्क्रीन पर जाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह के कैसा लुक दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार लुक देखने को मिल रहा होगा आपको, इसी तरह से आप सेटिंग कर सकते हो। इसी तरह अगर इनमें से भी कोई चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी तरह से और आप सेटिंग कर लेंगे। अगर आप ऐसा भी चाहते हैं तो ऐसा भी आप सेटिंग कर सकते हो, इस तरह के लाइव वॉलपेपर भी सेटिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देख लेंगे बहुत ही शानदार तरीके के यहाँ पर लाइव वाल पेपर्स हैं, अगर आपको चाहिए लाइटिंग तो आप यहाँ पर देख लेंगे, खुद से भी आप यहाँ पर सेटअप करेंगे बॉर्डर्स और कई तरह के बैकग्राउंड सेटिंग करके आप खुद से जो है बहुत ही शानदार लुक दे सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन को। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों मैं जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।